बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ए मैन, ये तो प्रोवर्ब आप सब लोगों ने सुना ही होगा। तो इसको बेस्ट फ्रेंड बनाने का भी एक प्रोसेस है, क्योंकि ऐसे ही तो फ्रेंड कोई नहीं बन जाता है, क्योंकि फ्रेंड से सबसे पहले मिलना पड़ता है, करेक्ट। आज के इस एपिसोड में मैं आपको लेके चलूंगी कि बच्चों को हम बुक किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और किस एज ग्रुप से हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय समना। देखिए, एक बात तो फिक्स है कि कभी भी आप अपने बच्चों को बुक्स देंगे तो बुक्स के साथ जरूर जोड़िए कहानी, क्योंकि कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है, छोटे हो या बड़े हो। कहानी जब इंटरेस्टिंग हो जाती है तो एक इंटरेस्ट बना रहता है, और जितने भी बुक लवर्स हैं आई एम श्योर वो इस बात से राजी होंगे कि जब तक कहानी में इंटरेस्ट है तब तक जो है वो बुक छोड़ना नहीं पसंद करेंगे। सिमिलरली बच्चों को भी जब हम बुक्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो हर चीज के साथ एक कहानी जोड़ने से जो है उनको बुक्स में इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, और वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे वो उनके लेवल के हिसाब से जो है बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एज नहीं होता है कि हम ये बोले कि इस एज में ही उसको पढ़ना चाहिए या फिर इस एज में उसको पढ़ना शुरू करना चाहिए, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एज नहीं होता है। लेकिन इंट्रोडक्शन जब हम करते हैं बच्चों को किसी भी तरह के बुक्स का, तो समझ लीजिए कि 1 साल के ऊपर जब बच्चा हो जाता है तो आप अलग अलग तरीके के बुक्स जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो वैरायटी होता है या सबसे पहले टाइप का जो बुक होता है वो होता है टच एंड फील बुक। तो मेरे पास एक बुक अवेलेबल है अभी हाथ में जिसमें लिखा हुआ है एनिमल्स का बुक है, तो बेबी टच एंड फील एनिमल्स बुक। ये आप एक बार जो बच्चा मतलब 8-9 महीने का हो जाता है उसके बाद भी आप इसे दे सकते हैं, बट आइडियली 1 साल के बाद आप देंगे तो अच्छा होगा। तो ये टच एंड फील क्यों है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे छोटे यहाँ पे ये बने हुए हैं, कटआउट्स बने हुए हैं। कटआउट्स में जो है उन्होंने सिमिलर फीलिंग दिया हुआ है, मतलब अगर आप ये एनिमल को टच करेंगे तो मोस्ट लाइकली दिस इज हाउ वो फील होगा। जैसे कैट के पास ये जो फाइबर लगा हुआ है, आप कैट की जो स्किन को आप टच करते हैं तो इस तरह से वो फील होगा। सिमिलरली यहाँ पे डॉग का बना हुआ है, फर है, डॉग के ऊपर जो फर होते हैं तो फर किस तरह से लगता है। तो बेसिकली बच्चे पिक्चर्स देख के ज्यादा सीखते हैं। कोई भी बच्चा है उसका लर्निंग कैसे होता है, देख के होता है, सुन के होता है और टच करके होता है। तो इसमें जो है हम टच करा रहे हैं, पिक्चर से वो देख पा रहा है। तो पेरेंट का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पेरेंट है वो बच्चों की हेल्प करें कि हाउ डज द एनिमल साउंड लाइक। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं अपने बेबी को बोलती हूँ कि दिस इज ए कैट, ये कैट है, कैट को ऐसे देखो इतना ऐसे दिखता है कैट, कैट क्या बोलता है, म्याऊ बोलता है। तो लाइक दिस ये एक तरीका होता है कि हम बच्चों को जो है चीजों के बारे में बताते हैं डेली कॉन्वर्सेशन से, बच्चे देख के सुन के और टच करके सीखते हैं। तो टच एंड फील बुक जो है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बुक्स इंट्रोड्यूस कराने का, क्योंकि उसमें पिक्चर भी होता है और थोड़ा सा उसका जो फाइबर होता है या फिर जो भी उसमें फील होता है, और आपको और भी अलग अलग तरीके के मिलेंगे, वेजिटेबल्स वगैरह में आपको मिलेंगे, उसका जो टेक्सचर होगा वो सिलिकॉन से बना रहता है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। ये सारे टाइप के जो बुक्स हैं आपको अमेजोन पे तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा भी प्यूपिलो करके एक बुक स्टोर है, ऑनलाइन बुक स्टोर है, जिसकी मैंने प्यूपिलो बुक स्टोर का भी लिंक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और अमेजोन पे तो आप सर्च करेंगे तो आपको वो चीज मिल ही जाएगा। जो सेकेंड कैटेगरी का जो बुक है पिक्चर बुक, ऑल इन वन पिक्चर बुक हो सकता है या फिर एक सिंगल पिक्चर बुक भी हो सकता है। पिक्चर बुक्स जो है यूजली 1.5 से 2 साल के बच्चे अच्छे से इसको पहचान पाते हैं, क्योंकि इसमें पिक्चर का अहमियत ज्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अल्फाबेट्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन
अल्फाबेट से ज्यादा जो एम्फेसिस दिया हुआ है वो पिक्चर्स पे दिया हुआ है। तो इस तरह का एक पिक्चर बुक भी अगर आप अपने बच्चों को दिलाएंगे तो दिस इज ए वेरी गुड स्टार्ट टू मेक फ्रेंड्स विद दी बुक्स। बुक से इस तरह से जो है वो बच्चे शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह का पिक्चर बुक जो है आप उनको दे सकते हैं, एक बड़ा बुक भी दे सकते हैं, या फिर आप छोटे छोटे बुक्स भी आते हैं जिसमें कलर्स होंगे, शेप्स के आते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस तरह से अलग अलग जो है छोटे छोटे बुक्स भी आते हैं जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो भी आप अपने बच्चों को जो है स्टार्ट कर सकते हैं बुक इंट्रोड्यूस करना, मतलब बुक से दोस्ती करना आप उन छोटे बुक से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये देखिए अभी मेरे हाथ में जो कुछ बुक्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे बुक्स हैं, तो इसका भी पूरा सेट भी आपको मिल जाएगा। अगर आप इंडिविजुअली लेना चाहते हैं तो आपको इंडिविजुअल बुक्स भी इसमें मिल जाएंगे आपको। अगर आप थोड़ा और ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑप्शन है कि आप इस तरह के बुक्स अपने बच्चों को दिला सकते हैं। दिस इज मोर लाइक उनको काफी रियलिस्टिक फीलिंग देगा वो बुक। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सी का पूरा थीम है और सी में क्या क्या होता है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक और अटैचमेंट था यहाँ पे वेल का जो ऑलरेडी आद्या फाड़ चुकी है, बट आप यहाँ पे देखेंगे कि इधर आप जैसे जैसे इसको ओपन करते जाएंगे तो ये एक हर्मिट क्रैब है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हर्मिट क्रैब जो है यहाँ पे छुपा हुआ है, जो कि एक्चुअली एक तरह से एक स्टोन की तरह दिख रहा है या फिर एक सी प्लांट की तरह दिख रहा है, लेकिन जब इसको ओपन करता है बच्चा तो वो देखता है कि दिस इज ए हर्मिट क्रैब। तो इस तरह के बुक्स भी आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है कि जैसे ये यहाँ पे शार्क है, शार्क जो है जेलीफिश को खाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो उसको खाने के लिए करता है तो जेलीफिश जो एकदम फुल के बिग हो जाता है। तो दिस इज लाइक एक स्टोरी बेस्ड बुक आप कह सकते हैं, जिसे थोड़ा सा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, रियलिस्टिक एक्सपीरियंस जो है बच्चे उसमें फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे फिशेस हैं, फिशेस के नीचे है क्या, तो जैसे ही वो फिशेस को ओपन करते हैं बच्चे, आप देखिए नीचे है देयर इज अ टर्टल, एक टॉर्टाइज है। तो बच्चे बुक को देखना भी पसंद करेंगे, उसको एंजॉय भी करेंगे, और आप इसको एक स्टोरी का फॉर्म दे सकते हैं जिससे कि इंटरेस्ट बच्चों का बना रहेगा। ये थोड़े से एक्सपेंसिव बुक्स हैं क्योंकि मुझे याद है कि ये मैंने मंगाया था, एक साइट से मंगाई थी, जो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कौन से साइट से मैंने मंगाई थी इसको, लेकिन इसका जो कॉस्ट है शायद आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, लेकिन ये एक इंटरनेशनल बुक है तो इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। जब मैंने इसको मंगाया था 2 साल पहले तो इट कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 550 या 600 के आसपास मुझे इस बुक का पड़ा था, एक बुक का। तो दिस इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन। थोड़े से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल 2.5 से 3 साल के बच्चे हो जाते हैं, तो वो इमोशंस को काफी अच्छे तरह से अब समझने लगते हैं। तो उस इमोशन से जो है उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, मतलब एक रिलेशनशिप बनाना है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वो हंस रहे हैं, वो खुश हैं, एक हैप्पी इज एन इमोशन। सिमिलरली जैसे कि फियर, डर है, तो डर है वो एक इमोशन है। तो उस तरह के इमोशंस को एग्जैक्टली बोलते क्या है, व्हाट आर द वर्ड्स, तो वर्ड्स सिखाने का, उनका वोकैबुलरी बढ़ाने का ये एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है। तो उसके लिए माई फीलिंग्स करके एक बुक जो मैंने मंगाई थी, तो ये मैंने ट्यूपिलो से ही मंगाई है, तो आपको ये उनके पास हो सकता है मिल जाए। तो आप उनको साइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर। तो इसमें आप देखिए कि वेरी नाइस, लाइक यहाँ पे कितने अच्छे से लिखा हुआ है कि अगर आप हैप्पी हैं तो आप क्या क्या करते हैं, व्हाट ऑल यू डू व्हेन यू आर हैप्पी। तो ये बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन बेस्ड बुक है जो आपके बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। सिमिलरली से हैप्पी है तो आप क्या करते हैं, अगर सैड है तो फिर आप क्या करते हैं, यू क्राई और यू डांस, व्हाट शुड यू डू, किस तरह से आप अपने इमोशन को जो है बाहर ला सकते हैं या फिर उस इमोशन से जो है आप बाहर आ सकते हैं। क्योंकि बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता है, आप बच्चों के बिहेवियर को आप देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चे दुखी हैं
वो बता नहीं पा रहे हैं, वो किसी चीज से लेके डर रहे हैं, लेकिन या तो वो रोते हैं या फिर एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर एकदम चुप हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका मुझे लगा कि फीलिंग्स करके जो बुक है, दिस मे हेल्प योर किड्स टू आउटकम देयर इमोशंस, वो अपने इमोशंस को बता पाएंगे कि उनको एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है। थोड़े से और बड़े बच्चों की तरफ। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी डॉटर आद्या जो है अभी 4 साल की है, तो उसको मैंने लगभग 1 साल पहले से एक कहानी सुनाना शुरू किया था रैंडमली, जो एक बुक मैंने मंगाई थी, पुपिलो से ही मंगाई थी मैंने, और उस बुक की जो स्टोरी है वो मैंने उसको धीरे धीरे करके बताना शुरू किया। एंड नाउ अब वो इतनी एक्सपर्ट हो चुकी है कि वो खुद ही वो कहानी अब मुझे सुनाती है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा उसमें डिस्टॉर्टेड वर्जन रहता है, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी करती है, बट नाउ एटलीस्ट शी नोज कि ये बुक है तो इस बुक में ये कहानी है। देन शी आस्क मी कि और कौन से बुक में बताओ मम्मा, मेरे को और कहानी सुनाओ, जो और दूसरा बुक दो। तो ये जो इंटरेस्ट है ये तभी आ पाता है जब हम बुक्स के साथ स्टोरीज को एसोसिएट करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ आद्या की जो फेवरेट बुक है वो है ये नो मैटर वॉट। तो नो मैटर वॉट जो है बहुत ही क्यूट सा बुक है ये, एक फॉक्स ममा और एक फॉक्स बेबी की स्टोरी है कि ममा अपने बेबी को कहती है कि नो मैटर वॉट आई विल ऑलवेज लव यू एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। तो इससे बहुत ही क्यूट तरीके से जो है मदर और एक चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डिंग है, वो बताया है। तो इस तरह से जो है अलग अलग तरह के जो बुक्स हैं वो आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बुक्स पढ़ने का जो हैबिट है वो 5 साल के बाद ही आ पाता है, क्योंकि तब तक बच्चे अभी दे डोंट नो कि वो वर्ड्स क्या होते हैं, अल्फाबेट्स क्या होते हैं। जब अल्फाबेट सीखेंगे, वर्ड्स सीखेंगे, उसके बाद जब वो उसको वर्ड्स को जोड़ना सीखेंगे, उसके बाद ही वो खुद से जो है बुक्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तब तक जब तक वो सब कुछ सीखते नहीं है हम उन्हें बुक्स दे ही नहीं, हमें उन्हें इस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली बुक्स में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इस तरह की बुक्स जो है देनी चाहिए। मैंने सारे बुक्स के जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई बुक ऐसा लगता है कि जो बहुत ही अच्छी बुक है या बहुत ही प्यारी बुक है जो बच्चों को पढ़नी चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए बुक का नाम और ऑथर, और अगर उसका कहीं पे लिंक है, परचेज लिंक है, तो वो भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि उससे सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि बहुत सारे और लोगों की उससे मदद हो सकती है। तो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए टेक केयर, बट स्टे ट्यून टू माई चैनल मॉम स्टोरी बाय सहना।